हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी में। दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और स्वास्थ्य विभाग में सरकारी भर्ती के लिए जानकारी आपको नीचे की तरफ यहाँ पे दी जा रही है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है, कोविड 2019 महामारी की रोकथाम हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने बाबत जिला खंडवा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो जिला खंडवा है, यहाँ पे देखिए कोविड 2019 महामारी की रोकथाम के लिए मानव संसाधन में सरकारी भर्ती के रिक्त पदों को यहाँ पे भरा जाना सुनिश्चित किया जाने वाला है। और इसी के लिए जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर रीड करके बताने वाला हूँ, कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। और सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दें, दिल से इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और कोई भी जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आगे भी आपको इसी तरीके से मिलते रहे। और स्वास्थ्य विभाग NHM मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितनी भी सरकारी भर्ती आ रही है, जानकारी अगर आप लोग इसी तरीके से चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो के नीचे आइए और सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लीजिए और इन्फॉर्मेशन सरकारी भर्ती की आगे भी इसी तरीके से आगे भी पाते रहिए। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जा रही है, इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी जानकारी यहाँ पे रहने वाली है ये हमने यहाँ पे ओपन कर ली है और देख सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई है एक लेटर के फॉर्म में रहेगी। और देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश मीन्स NHM मध्य प्रदेश द्वारा ये लेटर यहाँ पे लिखा गया है। और दोस्तों देखिए, किसके लिए लिखा गया है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खंडवा और मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो CMO ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट खंडवा में, तो यहाँ पर देखिए इनको यहाँ पर लेटर लिखा गया है NHM मध्य प्रदेश द्वारा। और सब्जेक्ट आप सब लोग यहाँ पर इसका पढ़ लें। लिखा हुआ है, कोविड 2019 महामारी की रोकथाम हेतु RBS के आयुष चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में। तो देखिए, यहाँ पे रिक्त पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं और RBS के आयुष चिकित्सक और इसके अतिरिक्त और भी वैकेंसीज हैं, तो आप सभी लोग इनकी जानकारी यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे टेबल यहाँ पे दी जा रही है ये आप सभी लोग यहाँ पे जान लें। तो थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़ा देता हूँ तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। लिखा हुआ है, उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कोविड 2019 महामारी की रोकथाम हेतु आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अनुमति चाही गई है। तो देखिए, यहाँ पे मानव संसाधन में सरकारी भर्ती में यहाँ पे जितने भी रिक्त पद यहां पे खाली पड़े हैं कोविड 2019 महामारी की रोकथाम के लिए यहां पे इसकी अनुमति चाहिए गई है और निम्नलिखित तालिका अनुसार अनुमोदन प्रदान किया जाता है। तो रिक्त पदों का विवरण आपको यहां पर दिया जा रहा है जिसकी जानकारी मैं आपको यहां पर रीड करके बता देता हूं। तो सबसे पहला जो कॉलम है इसमें आपको पोस्ट दी गई है और यहां पर कितनी वैकेंसीज रखी है आवश्यकता अनुसार, ये जानकारी जो है आपको यहां पर प्रोवाइड करा दी गई है। तो दोस्तों, यहां पर देखिए सबसे पहली जो वैकेंसी है वो रहेगी यहां पर निश्चेतना विशेषज्ञ के लिए और 7 पोस्ट यहां पर इंक्लूड की गई है, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। अगली जो वैकेंसी यहां पे दोस्तों देखिए चिकित्सा विशेषज्ञ के लिए रहेगी, 12 पोस्ट यहां पे रहने वाली है। इसके अतिरिक्त देखिए चिकित्सा अधिकारी मीन मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी भी है, 26 वैकेंसी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। और यहाँ पे देखिए आयुष चिकित्सा अधिकारी मीन आयुष मेडिकल ऑफिसर, जिसमें देखिए होम्योपैथिक आयुर्वेदी और यहाँ पे देखिए यूनानी चिकित्सा वाले डॉक्टर्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए 41 वैकेंसीज यहाँ पे मिलाकर इंक्लूड कर ली गई हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ANM का रिक्रूटमेंट भी यहाँ पे शामिल किया गया है, 12 वैकेंसी इनके लिए रखी गई हैं। स्टाफ नर्स के लिए देखिए 35 वैकेंसीज हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। और देखिए लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहने वाली हैं, 50 पोस्ट यहाँ पे इंक्लूड कर ली गई हैं। साथ ही साथ देखिए फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे 12 वैकेंसी यहाँ पे इंक्लूड रहने वाली हैं। और दोस्तों, जब आप सभी लोग इन सभी वैकेंसीज़ को यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे करेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे प्लस करेंगे तो करीब करीब देखिए 190 पोस्ट यहाँ पे निकल के आएंगी। इसके लिए देखिए पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पे जारी किया जाएगा और देखिए इन्फॉर्मेशन आती है और अगर यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन डिटेल्ड में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है तो हमारा यूट्यूब चैनल सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा और हमारे चैनल से यहाँ पर आपको यहाँ पर जुड़ा रहना पड़ेगा। अंत में यहाँ पर लिखा हुआ है, संदर्भित पत्र क्रमांक 2 एवं 3 के तदक्रम में तदनुसार अग्रिम कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो जल्द से जल्द देखिए यहाँ पे कार्रवाई यहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी और ये वैकेंसी जल्दी जल्दी यहाँ पे रिलीज होंगी। अभी देखिए ये पूरा रिक्त पदों का विवरण आपको यहाँ पे दिया जा रहा है और देखिए NHM मध्य प्रदेश द्वारा ये पूरा लेटर यहाँ पे लिखा गया था, CMO ऑफिस है जिला खंडवा मध्य प्रदेश में और इनके द्वारा देखिए अब यहाँ पे विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो जैसे ही विज्ञापन आएगा आपको वो मिस नहीं करना है, वो इन्फॉर्मेशन अब आपसे यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी है और ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक जरूर करें इस वीडियो को, दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें। उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से यहाँ पे प्राप्त हुई होगी, लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह, कोई भी सवाल वगैरह है आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं और यहाँ पे देखिए शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करा दें। कुछ समय बाद यहाँ पे जो है जिला खंडवा में यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज होने वाली हैं और सभी लोगों को ये जानकारी शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स लोगों में। और जैसे कि आप सभी लोग को मैंने बताया, जब कभी भी ये विज्ञापन यहाँ पर जारी किया जाएगा आप सभी लोग को मैं जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, वो जानकारी अब आपसे यहाँ पर मिस नहीं होना चाहिए। तो हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारी आपको आगे इसी तरीके से आगे भी मिलते रहे। तो वीडियो को नीचे आइए, सब्सक्राइब कर रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन आगे इसी तरीके से आगे भी पाते रहिए। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।